हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आप सबका स्वागत है GTA 5 की एक नई वीडियो में। तो गाइस यार, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला काम। आज हम खत्म करने वाले हैं अपने दुश्मनों को, यानी वेनम फैमिली के दुश्मन कार्नेज फैमिली। तो गाइस यार, आज हम खत्म करने वाले हैं कार्नेज फैमिली को, क्योंकि यार हमें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इन्होंने यार परसों ही मेरे चाचा के बेटे को मार दिया और कल इन्होंने मेरे चाचा की बेटी को मार दिया। तो यार हमारी पूरी फैमिली को यार ये मारे जा रहे। तो यार आज मैं इनको खत्म करने वाला हूँ। और ये यार ये कार्नेज का बेस, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कार्नेज घूमते रहते। तो यार इनको नॉर्मल वालों को तो मार के कोई फायदा नहीं है, मैं इनको इनके बॉस को मारना पड़ेगा जो कि है ये। इनको मेरे को मारना पड़ेगा और बाकी सबको मारूंगा मैं। इनका पूरा का पूरा बेस खत्म करना है मेरे को कैसे भी करके, ताकि यार हमारे परिवार वालों को बदला भी पूरा हो जाए और यार लॉस सैंटोस में वेनम फैमिली राज कर पाए, यानी मेरी फैमिली राज कर पाए। तो यार बिना किसी देर के बस उनके पास चलते हैं और उनको मारते हैं। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि हम जीत जाए तो यार फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करना। और हम चलते सीधा इनको मारने, आज तो इनको खत्म कर ही देंगे हम। तो यार मैं पीछे वाले आइलैंड के एरिया से चलता हूं। चुपचाप अपनी बोट यहीं पे छोड़ दे, अपन जाके स्विमिंग करके चलेंगे, वरना किसी को भी कोई बोट देख सकता है। तो फटाफट से अंडर वाटर स्विमिंग करेंगे ताकि ऊपर से कोई हमें देख नहीं ले। तो फटाफट से चलते, आज तो इनको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि यार कब से हमारे परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं। तो यार अभी मैं आ चुका हूं आइलैंड पे और यहां पे मुझे यार कोई कार्नेज दिख नहीं रहा, वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बात है, ताकि यार मैं यहां पे अपना प्लान बना सकूंगा। अरे चलो मैं चलता हूं अपने आराम कक्ष में, तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो बताना, मैं जाके थोड़ी देर आराम करता हूं। तो गाइस यार अब यार मुझे धीरे धीरे यार कार्नेज मुझे देखने लग गए धीरे धीरे। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पेड़ के यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ पे स्नाइपर से देखते यार कितने सारे कार्नेज है यहाँ पे। ये देखो भाई कितने ज्यादा खतरनाक है, पर मैं इनसे डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं भी वेनम फैमिली का हूँ। पर यार यहाँ पे तो यार बहुत सारे कार्नेज है, पर मैं अकेला ही हूँ। पर कोई बात नहीं यार, मैं इनसे लड़के रहूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। अरे एक सेकेंड, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सबसे अकेला खड़ा है और ये क्या करूँगा। अरे एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है, मैंने चुपचाप से जाता हूँ इनको पीछे से इसको मारता हूँ और इसकी जो स्किन है ना वो मैं अपने अंदर ले लेता हूँ, मैं बन जाऊंगा फिर कार्नेज। अरे बिल्कुल सही आइडिया है, इसको फटाफट से जाके चुपचाप से मारेंगे। ये ले, इसको मैंने मार दिया, इसको मार दे, ये ले निकले से, इसकी फटाफट से यार मैं स्किन पहन लेता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे भाई साहब कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा हूं मैं यार, बिल्कुल कार्नेज की ड्रेस में हो चुका हूं फिट। अब किसी को पता नहीं चलने वाला है कि मैंने भाई मैं वेनम हूं कि कार्नेज हूं। तो चुपचाप से चलते हैं, पर फिर भी यार मुझे ढंग से पूरा बिहेव करना पड़ेगा, जैसे ये बिहेव करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूं कि इन सबके पास गन है, तो यार मैं भी हाथ में गन रख लेता हूं ताकि इनको यार बिल्कुल लगे कि ये नॉर्मल कार्नेज ही है। तो यार अपन अब चलते हैं उस बड़े वाले बॉस वाले कार्नेज को मारते हैं सीधा, और यहाँ पे चलते चुपचाप से। अरे टॉयलेट करके आया। अरे कौन सी टॉयलेट? अरे तू बोल के क्या कर, टॉयलेट करने जा रहा हूँ इसलिए मैंने तेरे को छुट्टी दी थी। अरे हाँ वो मैं करके आया करके आया। अरे चल चल मैं आगे देखता हूँ। अरे भाई बच गया भाई, मुझे क्या पता था वहाँ पे टॉयलेट करने गया, भाई मैं फंस जाता अभी तो। और यहाँ पे कार्नेज खड़ा है। अरे भाई वो बॉस कहाँ पे अपने? कौन बॉस? अरे वो इतना बड़ा कार्नेज, बड़ा बड़ा। अरे वो अपने पापा है, भूल गया क्या? अच्छा हाँ पापा है, मेरे को तो पता है। अरे मतलब पापा कहाँ पे? अरे क्यों मिल रहा है पापा से? अरे ऐसे ही यार टाइम पास के लिए। अरे अभी उनके बाइक चलाने का टाइम है, भूल गया क्या? अरे हाँ यार याद है मुझे, वो देख वो जा रहे। अरे हाँ ये तो जा रहे मुझे याद था यार, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, क्या करूँ मैं। अरे याद रखा कर, कभी दुश्मनों ने अटैक कर दिया तो हमको ही मारने लग जाएगा, बोलेगा कि। अरे चुप रहे यार, पका मत यार। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे, हमको पापा ने सिखाया ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। अरे हाँ पता है यार, वो थोड़ा भूल जाता हूँ, बताया ना अभी। बॉयज आ जाओ। अरे भाई क्या हो गया, मैंने क्या किया? बॉयज जल्दी आओ। अरे भाई यार क्या हो गया? अरे तुझे याद नहीं है कि यार जब भी पापा यार बाइक पे जाते हैं तो हमको यार सिक्योरिटी करनी पड़ती है। अच्छा हाँ वो याद आया। तू ज्यादा चीजें नहीं बोल रहा, अब मेरी बात सुनो, ये एक सीरियस टॉपिक है। मुझे पता चला है यहाँ पे वेनम के स्पाइस यानी वेनम के जासूस घुस चुके हैं, हमको पता लगाना होगा इनमें से कौन वेनम है, इनमें से कोई ना कोई तो है। क्या वेनम इधर आ गया? अरे हाँ पहले एक बार में सुना ही नहीं देता क्या, हम में से कोई वो है, मुझे लगता है ये है, ये ले ये रहे, ये रहे, ये ले। अरे भाई उससे पूछ तो लो, मार क्यों रहे उसे? अरे तेरे को दिक्कत है क्या, तेरे को मारू क्या? अरे नहीं मैं कहाँ वेनम हूँ, मैं तो कार्नेज हूँ ना भाई, तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ मैं। अरे ये भी लग रहा है, इसको भी मार दो। अरे ठीक है मार दो, ये ले। अरे तो मत मार, मैं मारूंगा, ये ले, ये सबके सब मेरे को लग रहा है वेनम है, इन सबको भी मार दूंगा। हाँ मारो सबको मारो। अरे मुझे कैसे पता कि तू वेनम नहीं है? अरे मैं कहाँ वेनम हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ इतनी देर से हूँ। अरे तो क्या हो गया, तुझे प्रूफ करना होगा कि तू वेनम है कि नहीं। अच्छा मेरे को क्या करना होगा? अच्छा मैं तेको बताता हूँ, तुझे एक नॉर्मल से यानी मासूम से बंदे को मारना होगा, वो वहाँ पे देख मछली पकड़ रहा है, उसको मारना होगा। मुझे पता है वेनम उसको मारते नहीं है नॉर्मल मासूम बंदों को। अरे भाई यार इसने ये क्या बोल दिया यार, मैं वेनम हूँ यार, मैं इनको मार नहीं सकता, ये मेरे से दूर है यार, मैं क्या करूँ, पर मुझे मारना तो होगा यार, क्योंकि मेरे को अपने परिवार वालों को बचाना है। ये ले देखो मैंने मार दिया, गाइस यार मैंने एक मासूम बंदे को मारा यार, अब मुझे पाप मिलेगा, अगर आप मुझे पाप से बचाना चाहते हो तो। सो प्लीज सब सबर करा सरा खबर सबर कराए सरा
सारा कप व्हाटएवर प्लीज सब सर आई वांट टू रीच 1 मिलियन। अरे भाई देखो देखो मैंने मार दिया उसको। अरे ठीक है बहुत बढ़िया काम किया। अब मुझे पता चल चुका है तुम कार्नेजी हो, क्योंकि अगर वेनम मासूम आदमी को मारेगा तो उसे बहुत ज्यादा पाप मिलने वाला है। गाइस यार आपने सुना ना यार, फटाफट जाके यार कमेंट कर दो ताकि यार मेरा पाप कम हो सके। यार कुछ भी कमेंट कर दो यार प्लीज। अरे भाई मुझे ये बताओ तुम वेनम फैमिली से इतना ज्यादा नाराज क्यों रहते हो? अरे पापा ने मना किया उनका नाम लेने के लिए। अरे अरे भाग मार उसको, मार जल्दी मार। अरे भाई क्या हो गया, किसको मारना है? अरे मार मार जल्दी, अरे एक्वामैन ने अटैक कर दिया। कौन कौन कौन? एक्वामैन एक्वामैन। अरे भाई वो कैसे, क्यों क्यों? अरे तू सब भूल गया है क्या, याद नहीं है क्या? अगर हम मछली वालों पकड़ने वालों को मारते तो एयर फॉर्म में अटैक कर देते, अभी तूने मारा था उनको। अच्छा भाई, अरे भाई तो सही में अटैक कर दिया भाई, इनको मैंने मार दिया कोई बात नहीं। अरे देख और भी आ गए और भी आ गए। अरे रुक जा मार रहा हूँ भाई इसको तो मारू पहले। अरे कहाँ पे और भी? अरे भाई ये इनको मार दो फटाफट से। अरे देख भाई मैंने सबको मार दिया। अरे ठीक है बहुत बढ़िया काम किया। अरे अब तो मिलवा दे यार हमको पापा से। अरे ठीक है लेके चलूंगा थोड़ी देर में। और भाई तेरे पीछे देख, अरे इसको मैं मारता हूँ फटाफट से। ये ले, ये गया मैंने मार दिया। अरे तूने मेरी जान बचाई, बोलते को क्या चाहिए, जो तू बोलेगा मैं उसकी तेरी इच्छा पूरी करूंगा। अरे भाई यार पापा से मिलवा दे, पापा कारने से बस। अरे बस इतनी सी बात, चलते को लेके चलता हूँ। अरे चल ठीक है चल यार। अरे जल्दी है जल्दी। अरे बस आ गया आ गया, देखना आ गया। अरे चल जल्दी स्कैन करा ले। क्या स्कैन, कौन सा स्कैन? अरे तू फिर भूल गया क्या यार? देखो पता नहीं क्या कार्नेज स्कैन करता है ये कुत्ता, कि ना कोई हमारा दुश्मन तो नहीं, वो वेनम तो नहीं घुस गए? क्या ये कुत्ता स्कैन करेगा? अरे नहीं ये नहीं कर पाएगा। अरे ये हमारी परंपरा है, कोई भी हमारे पापा से मिलने से पहले हमेशा स्कैन करता है, भूल गया क्या तू? अरे नहीं नहीं याद है मेरे को, याद है। अरे दूर रहे, अरे दूर रहे भाई दूर रहे। अरे भाई मुझे कुत्ते पसंद नहीं। अरे भाई इसी को मार रहा है मुझे। क्या ये वेनम है? अरे भाई इनको पता चली गया तो मैं ही हूँ वेनम, अब तुमको मैं नहीं छोड़ने वाला। अरे क्या तुम वेनम कैसे हो सकते हो? अरे तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, आजा मेरे अंदर, तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कब से परेशान करने जा रहे कार्नेज के बच्चे, तेरे को खा जाऊंगा मैं पूरे, आजा मेरे अंदर। अभी जाता हूँ उसके ऊपर, मुझे पता है वो ऊपर ही छुपा हुआ है। आ रहा हूँ मैं कार्नेज के पापा, रुक जा तेरे को बताता हूँ अभी मैं। अब से यार गोल गोल घुमाया जा रहा है, अब तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। रुक जा बस मैं आ ही रहा हूँ तेरे पास, तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तेरे बच्चों को तो मैं खा ही गया, अब तेरे को भी मैं खाऊंगा। रुक जा कहाँ पे तू? अब तू नहीं बचेगा बेटा। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे भाई तू मेरे कब से परिवार वालों को परेशान करना है, अब मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अरे तुमको क्या लगता है तुम मुझे पकड़ पाओगे? आ जाओ फिर पकड़ने। अरे भाई ये तो कूद ही गया नीचे। अरे भाई ये कब चला गया पानी में? अरे यार पानी में जाना पड़ेगा यार, मैं फटाफट से मैं भी जाके छलांग मार लेता हूँ। अरे बुरा बुरा अभी आ रहा हूँ मैं तेरे को बताता हूँ। अरे तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, मैं पानी में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, तुम भूल गए क्या? अरे भाई तो इसके पास ये वाली पावर है भाई, ये कहीं पे भी जा सकता है। अरे कहाँ गया? अरे ये फिर भी इतना दूर चला गया, अभी इसको पकड़ता हूँ, देखो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला ये इधर। अरे भाई कहाँ चला गया? अरे फिर उधर गया। अभी जल्दी से जाता हूँ पानी के अंदर से, जाता हूँ उसको पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप जाता हूँ। अरे तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, चले जाओ यहाँ से। अरे भाई तू मुझे दिख रहा है, अरे भाई कैसे स्विमिंग कर रहा है, रुक जा ना भाई रुक जा। अरे भाई कहाँ चला गया ये? अरे कहाँ गया ये? मैंने तो बोला ही था तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, मैं जा रहा हूँ ये आइलैंड छोड़ के। मेरे बच्चों जल्दी से ये आइलैंड खाली करो, हमें दूसरे आइलैंड जाना है। अरे भाई रुक जा भाई कितनी तेज भाग जा रहा है। अरे भाई मुझे भी इसके फटाफट से पीछे जाना पड़ेगा भाई, तो बहुत ही तेज भाग जा रहा है, मुझे अपनी पावर्स का यूज करना पड़ेगा। आ रहा हूँ मैं, रुक जा साले कार्नेज, आज तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, आज तेरा पूरा परिवार खत्म करूंगा, रुक जा। अब किधर भाग के जाएगा, अब तू बता कहाँ जाने वाला है? अरे मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? अरे भाई तूने मेरे चाचा के बेटा बेटी दोनों को मार दिया, मैं तुझे मारूंगा और तेरे पूरे परिवार को खत्म करूंगा। अरे मेरी बात सुनो, हम एक चैलेंज करते हैं, उसमें जो जीता वो एक दूसरे को मार देगा। मैं अपने 4 जने बुलाऊंगा, तुम जितने भी जने एक बार में खा पाओगे, जो ज्यादा जने खाएगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा और दूसरे वाले को वो मार देगा। अच्छा भाई मुझे यानी इन सबको खाना है, 4 को क्या मैं सबको खा जाऊंगा? तेरे को तुम्हें मौका भी नहीं दूंगा खेलने का, और तेरे को सीधा मारूंगी। ये ले ये, तू भी आ जा मेरे मोटे मेरे पेट में, तू भी आ मेरे पेट में, और तुम दोनों भी बचोगे नहीं, ये आ जाओ मेरे पेट में, और ये तू भी आ जा मेरे पेट में। ले भाई मैंने सबको मार दिया। अरे ये क्या किया तुमने? अरे मैं कुमारू मत, अरे मुझे मत मारो, अब तो देखो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये साले मर गया ना, आया मजा, मैंने बोला था मेरे से पंगा मत ले भाई, वेनम फैमिली से दूर रहकर। अरे तो फिर से उठ गया। अरे तुमको क्या लगा मैं मर जाऊंगा? अरे तू मेरे अंदर ही आ जा, अब कहां जाएगा, तू मेरे अंदर ही रहेगा हमेशा के लिए, जिंदगी भर तू मेरे साथ रहेगा मेरे अंदर। अरे मुझे छोड़ दो। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बता देना कैसी लगी वीडियो। यार वेनम की फैमिली जीत चुकी है, यानी मेरी फैमिली जीत चुकी है, और हमने यार कार्नेज फैमिली को हरा दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो, ताकि वहां पे बैठ के मस्त मस्त बातें कर सके। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।